अरीना ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो एक फाइटर के बारे में है। मूवी में एक ऐसी दुनिया दिखाई है जहाँ पर लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं। एक आदमी ये सब कुछ कंट्रोल करता है तो उसका क्या मकसद है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी की कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है लेकिन इसका डायरेक्शन अच्छा है। 2011 के हिसाब से इसका प्रेजेंटेशन भी आपको इम्प्रेस करता है। परफॉर्मेंसेज भी जेन्युइन लगते हैं लेकिन कैरेक्टर्स को ठीक तरीके से डेवलप नहीं किया है। मतलब कैरेक्टर्स आपको पसंद तो आते हैं लेकिन उनके साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाते। वैसे देखा जाए तो मूवी में कुछ भी नयापन नहीं है, बस इसका प्रेजेंटेशन आपको कुछ जगह पर यूनिक लगता है। फर्स्ट हाफ में कुछ जगह पर मज़ा आता है क्योंकि कुछ लोगों को यह कंसेप्ट यूनिक लग सकता है। सेकंड हाफ में आपको वही सब कुछ देखने को मिलता है जो आपने ऑलरेडी दूसरी मूवीज में देख लिया है। एक्शन सीक्वेंसेस को अच्छी तरीके से शूट जरूर किया है लेकिन एक्शन देखने में उतना मज़ा नहीं आता। मतलब एक्शन सीन्स उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगते। 2011 के हिसाब से प्रोडक्शन डिजाइनिंग अच्छी है और सेट्स भी बढ़िया है। ये एक ऐसी मूवी है जिसके कुछ सीन्स आपको अच्छे लगेंगे लेकिन कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। यह लगभग 1.5 घंटे की मूवी है और इसकी हिंदी डबिंग मुझे ठीक लगी। सिनेमेटोग्राफी आपको कुछ जगह पर इम्प्रेस करती है लेकिन कुछ जगह पर ख़राब भी हो जाती है। स्क्रीन प्ले ठीक ठाक एंगेजिंग है क्योंकि हमेशा कहानी में कुछ ना कुछ होता रहता है। मूवी में कुछ एडल्ट सीन्स भी है तो इसे आप फैमिली के सामने नहीं देख सकते। प्रो ऑडियंस को यह पसंद नहीं आएगी और ओवरऑल भी मूवी कुछ खास नहीं है। ये एक ऐसी मूवी है जो अच्छी भी नहीं है और बुरी भी नहीं है, तो कुछ लोगों को शायद ये पसंद भी आ सकती है। मैंने मूवी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है तो आप डिसाइड कर सकते हो आपको इसे देखना है या नहीं। पर्सनली मुझे तो ये कुछ खास पसंद नहीं आई। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 'Cause I've been living life right like I can.